निबोश के अंदर कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके मेथड्स पूछे जाते हैं, इसके बेनिफिट्स पूछे जाते हैं। तो एक्टिव मॉनिटरिंग इज बेनिफिशियल, एक्चुअली दोनों बेनिफिशियल है, एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग, बट एक्टिव मॉनिटरिंग इज मोर बेनिफिशियल। तो आइए देखते हैं कैसे है। हेलो दोस्तों, बीच द बीच टीम से पब्लिक स्पीकर आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक खास टॉपिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। टॉपिक ऑफ द डे, एक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, निबोस IJC 1 के अंदर ये पूछा जाता है कि एक्टिव मॉनिटरिंग या रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या है, उसके मेथड्स क्या है, उसी के साथ एग्जांपल और बेनिफिट्स क्या है एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के। तो सबसे पहला हम बात करें अगर एक्टिव मॉनिटरिंग की या एक्टिव अप्रोच की, लाइक किसी भी किस्म की इवेंट्स होने से पहले, किसी भी किस्म के मिसहैप होने से पहले, किसी भी किस्म के नुकसान होने से पहले, किसी भी किस्म के इल हेल्थ होने से पहले या किसी भी किस्म के इंजरी होने से पहले कोई भी एक्शन आप लेते हो तो हम इसे एक्टिव मॉनिटरिंग या प्रो एक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें शामिल है इंस्पेक्शन, वर्कप्लेस इंस्पेक्शन। फॉर एग्जांपल आप करते हैं इक्विपमेंट सेफ्टी इंस्पेक्शन, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन करते हैं, मशीन सेफ्टी इंस्पेक्शन कर लेते हैं, और इसमें आप सर्वे भी करते हैं ऑन साइट किसी भी इशू को जो है वो पहले से आइडेंटिफाई करने के लिए और उस पर कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल नॉइस सर्वे हो सकता है, डस्ट सर्वे हो सकता है एक्सेट्रा। इसी में आप सैम्पलिंग कर सकते हैं, सेफ्टी सैम्पलिंग, जिसमें डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट सैंपल ले सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और इसमें सेफ्टी टूवर्ड्स भी कर सकते हैं। ये सब हमने देखा प्रोएक्टिव और एक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में। अब बात करते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग की। इट इज़ अ टेक्निक और अप्रोच टू ऑलवेज, हमेशा कुछ होने के बाद। एक्टिव मॉनिटरिंग में हमेशा कुछ होने के पहले और रिएक्टिव मॉनिटरिंग में कुछ होने के बाद अगर आप कुछ एक्शन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर अगर इन्फोर्समेंट हो जाती है अथॉरिटीज़ की तरफ से लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर, उसके बाद अगर आप एक्शन लेते हो तो उसे रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं। जैसे कोई हादसा हो जाता है, हादसे के बाद अगर आप वर्कर को रिट्रेन करते हो तो इसे हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं। जैसे किसी भी किस्म का लॉसेस हो जाए, लाइक मशीन लॉस हो जाए, इक्विपमेंट लॉस हो जाए एक्सेट्रा, तो उसके बाद अगर आप कुछ प्रिकॉशंस बनाते हैं उसके अगेंस्ट इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो ये होता है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। आज हमने बात की एक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों स्टे कनेक्ट विद अस। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। ग्रुप ऑफ